अस्सलाम वालेकुम, ये दवारी है और यहाँ से रत्ती गली का ट्रैक शुरू होता है तो ये 18 किलोमीटर है और 2 घंटे पर मुश्तमिल है। तो अगर आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके लगेंगे 5 से 6 घंटे और अगर आप जीप पे जाना चाहते हैं तो आपके लगेंगे तकरीबन 3 घंटे। तो जीप वाला आपसे 7,000 रुपये लेता है और आपको पहुँचाता है रत्ती गली के बेस कैंप पर। तो चले चलते, पैकिंग हो रही है। अच्छा जी, तो रात के और है 11 बजे, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया और वकास भाई जो है ये पता नहीं किसकी तलाश में घूम रहे हैं यहाँ पर। रोटी की तलाश। आपसे सुबह मुलाकात होती है। अच्छा जी, तो सुबह के 5 बज रहे हैं और ये रत्ती गली का बेस कैंप है। किसी ज़माने में ये क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। तो नाश्ते का इंतज़ार है, उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे रत्ती गली का इधर से इस पहाड़ी के पीछे और फिर आपको दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है और रत्ती गली भी दिखाते हैं। सही है। अच्छा जी, तो हमने ट्रैक स्टार्ट किया, आज चलेंगे 2 लेक से वहाँ पर। और इम्तियाज़ भाई जी, जी कौन से लेक से? ये भाई हम अभी जाएंगे पहले हंसराज लेक झील और उसके बाद हम लोग जाएंगे कालासर 1, कालासर 2 और उसके बाद कोशिश करेंगे घटिया झील देखने की, या तो उसको ऊपर पास से देख लेंगे और या नीचे को उतरने की कोशिश करेंगे टाइम होगा। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं हंसराज लेक और उसके साथ 2 और आते हैं कालासर 1, कालासर 2। तो आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और भाई आप यहाँ के मकामी ये बताएं, ये आगे जो हम जिस झील पे जा रहे हैं इसको हंसराज झील क्यों बोलते हैं? असल पे ये किसी डोगरा टाइम पे एक आदमी का नाम था, इसलिए इसका नाम हंसराज है। उसका वो यहाँ पे रहता था बकरियाँ। अच्छा अच्छा, यानी यहाँ पर उसका घर था। जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। उसके बाद हम कालासर और कालासर 1, कालासर 2, उसके बाद कालासर 1 और 2 बोलते हैं। असल पे उसकी जो बैक साइड पे जो पहाड़ी है वो बिल्कुल ब्लैक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। इसके बाद आता है कालासर, तो दिखाते कालासर लेक आपको। अच्छा जी, तो ये है कालासर 1, 2 भी आपको दिखाते हैं लेकिन थोड़ा स्टे के बाद। अच्छा जी, तो ये है कालासर लेक 2। सितंबर का महीना है, ये बिल्कुल फ्रीज है, आप देखें
अच्छा जी, तो ये काला सर टू है। अब हम गाटिया झील की तरफ निकलेंगे और फारूक भाई हमें बताएंगे कि कितना रास्ता है। तो फारूक भाई जी, बड़े भाई, कितना रास्ता है? तकरीबन हमें 45 मिनट लगेंगे यहाँ से। अच्छा, तो ये था तीसरा लेख और जाते चौथे पर। अच्छा जी, तो ये है गाटिया ग्लेशियर और हम जा रहे हैं गाटिया लेक। पीछे जो आपको दो झीलें नजर आ रही है ना, तो एक काला सर वन है, एक काला सर टू है। तो ये बड़ा वाला जो है ना, ये काला सर टू है और दूसरा वाला वन। कैमरा हाथ तक आ रहा है। अच्छा जी, तो ये है गाटिया झील और इस रास्ते से अभी हम जाएंगे रती गली। इंशाल्लाह देखेंगे, अगर नीचे जाना हुआ तो नीचे से भी पिक्चर और वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह। झील आपको पसंद आई? बहुत आला। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये पास आपको कैसा लगा? ये पास यार बहुत मुश्किल पास है, लेकिन जब आप इसके टॉप पर आते हैं ना, तो आपकी सारी थकन उतर जाती है। माशाल्लाह जबरदस्त। जरा लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा जी, तो हम आराम फरमा रहे हैं और हमारे एक दोस्त पीछे रह गए, तो वो आ रहे गाइड गए हुए उनके पास। अच्छा जी, तो ये सामने रती गली का झील है और अब हम जाएंगे इस तरफ से, थोड़े करीब से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये रती गली का झील है, सबसे बड़ा झील है भाई। सोचा दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी आप और मैं साथ गुजारेंगे। अल्लाह हाफिज़।